नीरज चोपड़ा को सोने का तमगा यूं ही नहीं मिला है, इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किए हैं। ध्यान सिर्फ तैयारी पर रहे, इसके लिए उन्होंने एक साल पहले मोबाइल फ़ोन से किनारा कर लिया था। वे मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखते थे। जब भी माँ सरोज और परिवार के अन्य लोगों से बात करनी होती थी तो वे खुद ही वीडियो कॉलिंग करते थे। वो सोशल मीडिया से भी दूर ही रहे। नीरज के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा शामिल हैं। एक ही छत के नीचे 19 सदस्य परिवार में चचेरे भाई 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं। ऐसे में वो परिवार के लाडले हैं। उन्हें इस खेल में अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए वित्तीय मदद की ज़रूरत थी, जिसमें बेहतर उपकरण और बेहतर आहार की आवश्यकता थी। ऐसे में उनके संयुक्त किसान परिवार, जिसमें उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा शामिल हैं, एक ही छत के नीचे रहने वाले 19 सदस्य परिवार में चचेरे 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं। ऐसे में वो परिवार के लाडले भी हैं। जी हाँ, परिवार की हालत ठीक नहीं थी और उसे 1.5 लाख रुपए का जेवलिन नहीं दिला सकते थे। पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम ने जैसे तैसे 7,000 रुपए जोड़े और उन्हें अभ्यास के लिए एक जेवलिन ला कर दिया। वह 2016 में जूनियर विश्व चैम्पियन में 86.48 मीटर के अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड के साथ एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुर्खियों में आए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीरज ने 2017 में सेना से जुड़ने के बाद कहा था कि हम किसान हैं, परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है और मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से मेरा साथ देता आ रहा है, लेकिन अब यह एक राहत की बात है कि मैं अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करने में सक्षम हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और एक समय ऐसा भी आया जब नीरज के पास कोच नहीं था, मगर नीरज ने हार नहीं मानी और YouTube चैनल से विशेषज्ञों की टिप्स पर अमल करते हुए अभ्यास के लिए मैदान में पहुँच जाते। वीडियो देखकर अपनी कमियों को दूर किया। इससे खेल के प्रति उनका जज्बा कहीं या जहां से भी सीखने का मौका मिला, उन्होंने झट से लपक लिया। 2017 में सेना से जुड़ने के बाद नीरज ने बताया था कि हम किसान हैं, परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार बहुत मुश्किल से मेरा साथ देता आ रहा है। खेलों से नीरज के जुड़ाव की शुरुआत हालांकि काफ़ी दिलचस्प तरीके से हुई। संयुक्त परिवार पर रहने वाले नीरज बचपन में काफ़ी मोटे थे और परिवार के दबाव में वजन कम करने के लिए वो खेलों से जुड़े। वो 13 साल की उम्र में काफ़ी शरारती थे। वो गांव में मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़छाड़ करने के साथ भैंसों की पूंछ खींचने जैसी शरारत करते थे। उनके पिता सतीश कुमार चोपड़ा बेटे को अनुशासित करने के लिए कुछ करना चाहते थे। काफ़ी बनाने के बाद नीरज दौड़ने के लिए तैयार हुए, जिससे उनका वज़न घट सके। जी हाँ, उनके चाचा उन्हें गांव 15 किलोमीटर दूर पानीपत स्थित शिवाजी स्टेडियम लेकर आए। नीरज को दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जब स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंक अभ्यास करते देखा तो उन्हें इस खेल से प्यार हो गया। उन्होंने इसमें हाथ आजमाने का फैसला किया और वो एथलेटिक्स में देश के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बन गए। अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी जयवीर चौधरी ने 2011 में नीरज की प्रतिभा को पहचाना था। नीरज इसके बाद बेहतर सुविधाओं की तलाश में पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम आ गए और 2012 में आखिर में वो अंडर 16 राष्ट्रीय चैंपियन बन गए थे। जी हाँ, तो आपको कैसी लगी गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सरबी की रिपोर्ट।